अलग परिवर्तन, जिसमें आपका थर्ड पॉइंट चलेगा। और थर्ड पॉइंट के दौरान हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति का उद्देश्य किस प्रकार से छात्रों के समक्ष रखा गया है। तो अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने द्वारा सुना। अभिव्यक्ति यानी अपने स्वयं के द्वारा कही हुई बात को दूसरों को सुनाना, यानी कि स्वयं या दूसरों के द्वारा कही हुई बात को सुनना। तो अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने द्वारा सुनाना, यानी अपने द्वारा कही हुई बात को दूसरों को सुनाना। अथवा पठित सामग्री या किसी के द्वारा लिखित सामग्री के भाव, तथ्यों, विचारों को अपनी भाषा में प्रकट करना। पठित सामग्री पढ़ने योग्य सामग्री को, या फिर किसी के द्वारा लिखित हुई सामग्री को, उसके भावों को, उसके तथ्यों को, उसके विचारों को अपनी भाषा में प्रकट करना अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी बात को दूसरों को सुनाना, अपनी स्वयं की बात को दूसरों को सुनाना। या अभिव्यक्ति अपने विचारों, भावों, स्वानुभूतियों को प्रकट करना भी अभिव्यक्ति की क्रिया में शामिल कार्य है। यानी कि अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी स्वानुभूतियों को, अपने स्वयं की अनुभूतियों को प्रकट करना, दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना भी इसमें शामिल है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास शिक्षा के उच्चतर स्तरों पर ही अधिक रहता है। यानी कि अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, यानी कि विचारों का आदान प्रदान जो होता है, उसकी क्षमता का विकास शिक्षा के उच्चतर स्तरों पर किया जाता है। और अभिव्यक्ति की जो विधियाँ होती हैं, दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करने की दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, मौखिक विधि और लिखित विधि। तो देखिएगा, लिखित विधि में कि छात्र कम से कम शब्दों में अधिक भावों, विचारों और तथ्यों को लिखकर व्यक्त कर सकता है। छात्र लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से कम शब्दों में अधिक भावों को लिख सकता है, अधिक विचारों को लिख सकता है, अधिक तथ्यों को लिख कर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है। सेकंड है, छात्र विषय सामग्री के उचित अनुच्छेद को विभक्त करके लिख सकता है। किसी भी विषय सामग्री के अनुच्छेद को छात्र विभक्त करके उसको अपने विचारों, अपने भावों, अपने तथ्यों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। थर्ड है, छात्र अपने लिखित भाषा में प्रसंगानुकूल शब्द और सूक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, कि छात्र लिखित भाषा के माध्यम से प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुसार जो शब्द दिए हुए हैं, जो सूक्तियाँ दी हुई है, उनका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है, छात्र तार्किक ढंग से अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल, तर्क के माध्यम से, तर्क के तरीके से भी छात्र लिखित भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। किसके माध्यम से? लिखित भाषा में तर्क के माध्यम से। भाषा तो होगी लिखित, लेकिन तर्क के माध्यम से वो लिखित भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है, छात्र मुहावरों और लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, कि छात्र किसी भी विषय को लेकर या किसी भी प्रसंग को लेकर यदि कोई लोकोक्ति है, कोई मुहावरा है, तो छात्र उसको अपने भावों में, अपने वाक्यों में, अपने स्वयं के वाक्यों में, अपने स्वयं की अभिव्यक्ति में, अपने स्वयं के भाषा में, तथ्यों में, अपने स्वयं के भावों में, अपने स्वयं के विचारों में उसको प्रयोग कर सकता है। छात्र किसी सामान्य विषय पर दिए गए बिंदुओं को लिख सकता है। यानी कि किसी भी सामान्य विषय पर यदि कोई बिंदु दिए गए हैं, तो छात्र उनको लिख सकता है। ये विचारों की अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम है। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति का मौखिक माध्यम ये होता है कि छात्र अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल, कि छात्र अपनी बात को बोलने के माध्यम से छात्र अपनी बात को दूसरों को अभिव्यक्त कर सकता है, और वो अभिव्यक्ति का माध्यम भी प्रभावशाली होगा। यानी कि छात्र बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, कि छात्र अपनी बात को उचित हावभाव के साथ कहकर श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, कि
कंप्लीट।